बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता है, कभी संतों का संग नहीं करता है, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन कैसे जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं, या भगवान गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ, आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। इसकी एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म। चलिए तो अब मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एक कहानी सुनाती हूँ। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था तो दूसरा भगवान को ना मानने वाला। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था वहाँ दौड़कर चला जाता था और भगवान की पूजा करने लगता था। वहीं दूसरा शिष्य इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पीता था, गलत आदतें थीं और वह कभी भी किसी का सम्मान नहीं करता था। एक दिन वह रास्ते में पैदल जा रहा था और अचानक रास्ते में उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताते हुए यह बोला कि मुझे पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया है, मेरा जीवन तो सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ गई, रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहां पहुंचता है और हंसते हुए बोलता है, क्यों तुम ही हो ना जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, और देखो भगवान ने तुम्हारे साथ क्या किया। एक मैं हूँ जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान के मंदिर नहीं जाता, फिर भी भगवान मेरा साथ देते हैं, फिर भी मैं तुमसे ज़्यादा संपन्न हूँ, मेरे पास कोई भी धन की कमी नहीं है। तो यह सुनकर उसके मन में भी विचार आया, कहीं ना कहीं ये सही कह रहा है, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान को याद करता रहता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला गया और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए भगवान से कहते हैं और वह कहते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं भगवान। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभोई और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होनी थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा अर्चना करी थी, इस कारण तुम्हारी मौत ना हो करके तुम्हें एक कील केवल चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करता हूँ, सुनो, पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष थे, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़िए, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करिए और अपने भविष्य को सुधारिए। जब आप अपने कर्म पे ध्यान देंगे तो आपका भविष्य स्वयं ही सुधर जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो डर किसी चीज़ का नहीं होता है, इसलिए अगर आप अच्छे से कर्म करेंगे तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।